उनके मार्गदर्शन में जो लोग आज सनातन धर्म के लिए अपने डी हाँ कर रहे हैं वो लोग आसाराम बापू के मार्गदर्शन में थे और बड़े बड़े मंचों में मैं देखा हूँ कि वो तो लोग उनके बगल में बैठने की हिम्मत नहीं रखते थे ये आसाराम बापू को नहीं कलंकित किए हैं ये सनातन धर्म को कलंकित किए हैं दंड ये पांच दंड मिल करके और आशाराम बापू को फंसाया गया है आशाराम बापू पर जो इनका टारगेट था वह इनका टारगेट साधारण टारगेट नहीं था ये भारतीय व्यवस्था नहीं है आसाराम बापू को पकड़वाने का गिरफ्तार करवाने का इनके लिए षडयंत्र करने का ये अमेरिकन व्यवस्था थी रूस जापानी व्यवस्था थी इसमें कई देश मिलकर के कर रहे थे क्यों कि आसाराम बापू जी का जहाँ जहाँ भी आश्रम है आज आप लोग मीडिया से हैं आप लोग सर्च करिए भारत की व्यवस्था को समझिए वो जिस क्षेत्र में उन्होंने आसाराम बापू ने आश्रम रखा उस क्षेत्र में ईसाई मिट्टी में पलित हो गई पूरे देश के सारी आश्रम यथोचित चल रहा है और लाखों लाख बहनें भाई हमारे सब पढ़ रहे हैं शिक्षित हो रहे हैं और जब उस आश्रम से पढ़ करके और जब आई बनेगा पी बनेगा पीसीएस पी, बनेगा, पी, -स पी -स और जो अधिकारी बनेंगे और जो तमाम तरह के विद्वान बनेंगे ज्ञानी बनेंगे धर्मवान बनेंगे और सच्चरित्र बनेंगे वह अधिकारी जो आश्रम में पढ़ करके निकलेगा वो सच्चरित्र अधिकारी बनेगा ईमानदार ऑफिसर बनेगा उसी से देश का कल्याण हुआ उसी से राष्ट्र का कल्याण होगा। इसलिए आसाराम बाबू को फंसाया गया हटाया गया क्योंकि उन्होंने एक बार कहा था कि यदि देश में यही स्थिति रही अपने लोगों को चुनाव लड़वाएंगे समाज के कल्याण के लिए सनातन धर्म के लिए तो उन्होंने राजनीतिक दलों ने मिल के उनको शिकार किया इसमें एक ही का हाथ नहीं है इसमें कई लोगों का हाथ है इतना उनके साथ अत्याचार हुआ है देश में कोई बोलने वाला नहीं है और इस तरह से उनके ऊपर टारगेट किया गया है कि देश में जो संत बोले उनको कह दो तुम आसाराम बापू हो दूसरा आसाराम बापू तुम हो आसाराम बापू के शिष्य हैं ये या आसाराम बापू के प्रशंसक हैं मैं एक सनातन धर्म का प्रचारक हूँ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मैं संचालक भी हूँ आपको नहीं पता होगा यह अयोध्या का मैं यहाँ के संचालक हूँ और उस दोनों पद से मैं बता रहा हूँ सनातन धर्म के प्रचारक के रूप में भी और आर एस एस के संचालक के रूप में भी मैं बता रहा हूँ आपको कि आसाराम बापू जी निर्दोष हैं उनको एकमात्र ये स्वयंत्र किया गया है सनातन धर्म को कमज़ोर करने के लिए ऐसा नहीं कि हम लोग सुयोग्य नहीं हैं ऐसा नहीं कि हम लोग शिक्षित तो नहीं हैं व्याकरण और वेदांत से आचार्य किया हूँ नेट क्वालिफाइड हूँ पी किया हूँ यदि चाहूँ तो प्रोफेसर की नौकरी कभी भी ले सकता हूँ इतना सक... दम है अपने अंदर डेढ़ लाख दो लाख रुपया सैलरी उठाऊंगा लेकिन हमें पता है कि डेढ़ डेढ़ लाख उठाने से सिर्फ़ हमारे जीवन चल सकता है हमारा जो परिवार होगा उसका चल सकता है परंतु सनातन धर्म का लिए जो काम होना चाहिए जो सनातन धर्म के लिए करना चाहिए वो नहीं हो पाएगा इसलिए हम लोगों ने अपनी सारी व्यवस्थाओं को त्याग करके और सनातन धर्म के लिए उत्तरोत्तर कार्य करते रहते हैं सर्वप्रथम डॉक्टर जिनके द्वारा निर्देशित किया जाता है दूसरा तंत्र प्रशासनिक जिनके द्वारा गिरफ्तार आदि किया जाता है तीसरा तंत्र शासन जिसको द्वारा निर्देशित किया जाता है कि इनके ऊपर लल लगाओ इनके ऊपर जो करना करो चौथा तंत्र प्रचार तंत्र और पांचवा जो तंत्र है आर्थिक तंत्र जो ईसाई इस्लाम के द्वारा प्रदत्त रूप से दिया जाता है कि किसी भी चीज़ को नष्ट करने के लिए सबसे पहले अर्थ दंड ये पांच दंड मिल के और आसाराम बापू जी को फंसाया गया और वह भी आप बताइए किस अवस्था में 86 बताइए छियासी वर्ष जो लोग हमारे यहाँ कहते हैं कि जो पूत जो बच्चे हैं वो पालने में ही उसका असर दिख जाता है कि यह किस लाइन में जा रहा है और जिसने अपनी युवा अवस्था को बाल्यावस्था को पार कर गया हो युवा अवस्था को पार कर गया हो और युवा से जो अवस्था को पार कर गया हो उसको वृद्धावस्था में फंसाया गया ये आसार बापू को नहीं फंसाया गया है यह सनातन धर्म को फंसाया गया है ये आसार बापू को नहीं फंसाया गया है आप ये समझ लीजिए ये सनातन धर्म को फंसाया गया है ये आसार बापू को नहीं कलंकित किए हैं ये सनातन धर्म को कलंकित किए हैं क्यों कि आसाराम बापू के द्वारा सच्चरित्र लोगों को निर्माण चरित्र का निर्माण किया जा रहा था उनके आश्रम में विद्यार्थी लोगों का शिक्षा दीक्षा रहन सहन भारतीय संस्कृति की तरह अन्न ग्रहण उनका पोषण उनका भेष बिना मस्तिष्क में तिलक लगाए आज हिंदू धर्म का प्रचार करने वाले लोग रोड पे घूम रहे हैं लेकिन आप उनको पूछे तिलक लगाए हो क्या तो नहीं चोटी है क्या मस्तिष्क में नहीं कंधे पे जनऊ है क्या नहीं लेकिन वो झूठे धर्म का प्रचार कर रहे हैं परंतु आसाराम बापू जी के हाँ आश्रम में रहने वाले अरब पति के बच्चे हों चाहे खाक पति के बच्चे हों सच्चरित्र जीवन जीते थे और वो हिंदू वेश में जीवन जीते थे और जब वह लोग दरोगा बन रहे हैं डीआईजी बन रहे हैं आईजी बन रहे हैं डीएम बन रहे हैं जज बन रहे हैं और देश के बड़े बड़े राजनीतिक के विचारधारा को मार्गदर्शन कर रहे हैं तब इन लोगों को लगा कि अरे जो हम लोग लूटने का काम कर रहे हैं देश में ये लूटना बंद हो जाएगा ये जो हम लोग देश को डिमोलाइज कर रहे हैं कि कहते हैं कि तुम हम गरीब के मसीहा हैं परंतु हम मसीहा गरीब का हैं अर्थ दूसरा है, है। गरीब का मसीहा का मतलब गरीब बनाने वाले मसीहा हैं समझ रहे हैं आप जो कहते हैं कि हम दलित का मसीहा है वो दलित बनाने वाले मसीहा हैं ये आप जान लीजिए आज इस बात को तो वो लोग ने देखा कि ये तो सारा श्री बापू जी ले लेंगे क्योंकि इनके यहाँ तो जाति मत मजहब ही नहीं इनके आश्रम में जो आओ वो सनातन धर्म का शिक्षा लो और धर्म का प्रचार करो राष्ट्र के लिए काम करो जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आर समर्पित भाव से प्रचारक निकालते हैं और समर्पित भाव से देश के लिए काम करते हैं वो काम आश्रम में हो रहा था और यहाँ प्रचारक लाखों में एक निकलते हैं और वहाँ लाखों लाखों प्रचारक निकल रहा था धर्म का तो लोगों के मन में ये हुआ कि ये तो आने वाले दस साल में जो हम लोग सत्तर साल से मेहनत किए हैं वो सब खत्म हो जाएगी मेहनत और भारत में भारतीय व्यवस्था जो आज हमारे बाबा रामदेव जी कह रहे हैं कि स्वरोजगार जो अपने यहाँ रोजगार करो अपनी व्यवस्था करो तो ये आसाना बापू जी पहले से ही कर रहे थे आज आज की बात हो रहा है उनके मार्गदर्शन में श्री श्री रविशंकर जी थे उनके मार्गदर्शन में हमें जो जहाँ तक पता है हमें जहाँ तक ज्ञान है उनके मार्गदर्शन में ये बाबा रामदेव जी थे उनके मार्गदर्शन में मार्गदर्शन में जो लोग आज सनातन धर्म के लिए अपने डीम महाक रहे हैं वो लोग आसाराम बापू जी के मार्गदर्शन में थे और बड़े बड़े मंचों में मैं देखा हूँ कि वो लोग उनके बगल में बैठने की हिम्मत नहीं रखते थे जो लोग आज कह रहे हैं कि हम सब कुछ हैं तो बापू जी को फंसाने का मतलब बापू जी को नहीं धर्म को कलंकित किया गया है ये हमारे धर्म पे कुठार आघात किया गया आस्था पे कुठार आघात किया गया है और आप बताइए इतने साल से बापू जेल में हैं निर्दोष और वो जेल में भी इर्द गिर्द में जो लोग हैं वो भक्त हो गए वो लोग सनातन धर्म को मानने लगे तमाम जेल से मुस्लिम निकले जो कह सनातन धर्म को स्वीकार करेंगे तमाम ईसाई निकले जो सनातन धर्म के अनुयायी हो गए क्यों हो गए पता है इसका कारण क्योंकि आग के पास जो लोग बैठेगा उसको आग तपन का काम करता है कोई कितना भी ठंड हो शरीर में आज आग के पास बैठ जाए तो गर्म हो जाएगा क्यों कि उसका काम ही है यथा दहाती पाप का उसका काम ही है आग को गर्म करना प्रज्वलित करना जलाना वैसे ही संत का काम ही है संत के पास जो जाएगा निर्मल मन जन सो पावा उसका मन निर्मल हो जाएगा वह राष्ट्र भक्त हो जाएगा वह राम भक्त हो जाएगा तो बापूजी जी जहाँ हैं जिस अवस्था में वहाँ भी लोग तमाम हजारों हजार राम भक्त तैयार कर रहे हैं वो कोई ऐसे व्यक्तित्व हो रहे हैं कि उनको कहा आप कहीं जा कर के डाल दो और प्रकाश हैं वो प्रकाश पुंज हैं जिस अंधेरे में रख दो उस अंधेरे को प्रकाश कर देगा जिस जल में वहाँ भी प्रकाशित तो कर रहे हैं तो सनातन धर्म में बापू जी का बहुत बड़ा योगदान है आज सारे आश्रम यथार्थ व्यवस्था चल रहा है सारे आश्रम में विद्यार्थी माताएं बहन बताइए दो चार लोग जो है ये लोग कहते हैं अंधा कानून है हमारे यहाँ और कानून के ऊपर आप देख रहे होंगे जो चित्र है वहाँ आँख में पट्टी लगा हुआ है वो वास्तव में अंधा कानून देश में अरे बताइए दस लोग विरोध कर रहा है और दस करोड़ जिसका समर्थन कर रहा है उसको नहीं सुना जा रहा है जिनका दस करोड़ समर्थन कर कर रहे हैं उनका नहीं सुना जा रहा है सुना किसका जा रहा है दस लोग विरोध कर रहे हैं अरे यहाँ कोई एविडेंस तो छोड़िए मैं आपको बता रहा हूँ उस बच्ची का एक वीडियो मैंने देखा है वो बच्ची अपनी वीडियो में कह रही हैं कि जब हमको लोगों के द्वारा भ्रमित किया गया और हमें कहा गया कि इनको किसी भी तरह से में फंसाओ हमने फंसा दिया जब मैंने उनको कष्ट देखा तो मुझे लगा कि मैं बहुत बड़ा पाप किया हूँ तो मैं फिर से गया कानून के पास और मैंने कहा उनसे कि नहीं ये बहुत बड़ी भूल हो गई है और इस चीज़ को जो है आप बंद कर दिया जाए तो कहा गया कि तुम्हें पूरे जीवन तुम्हारे या तुम्हारे कुल खानदान को जेल में डाल दिया जाएगा इसलिए तुम चुप रहो और तुम अब दोबारा आना नहीं इनको सामने वो बयान हुए थे, तो अपने लड़की अपने बया बदलना चाहे जी जी तो ने बोला यहाँ आपको बता रहा हूँ कि सारा प्रावधान फेल है मैं आपको एक ही शब्द में कह दिया कि पांच चीजें हैं देश में जिसको चाहे उसको गर्त में मिला दे और जिसको चाहे उसको आसमान कर दे ये पांचों चीज मिल करके सनातन धर्म को नुकसान किया गया है लेकिन बहुत दुख के साथ अब बहुत दुर्भाग्यपूर्ण के साथ यह बात मैं आपके चैनल पर कहना चाहता हूँ कि इसमें हमारे भारत सरकार राज्य सरकार और जो हमारी सरकारी तंत्र उसमें हमारा कोई मदद नहीं कर रहा है ये दुख के साथ कहना पड़ रहा है देश में कोई भी सरकारी तंत्र भारतीय संविधान संत की रक्षा करने में कहीं भी खड़े नहीं होते हैं ये जगह अक्षम है ये कहीं भी बचाने का काम नहीं किया संत को ये संत को यदि कोई फंसाया है तो उनको दबाने का काम किया है और बचाने का काम नहीं किया है बहुत दुख होता है इस बात को